मॉर्निंग हम लोग इकाई 3 में उद्योगों के बारे में पढ़े थे निर्माण उद्योग में, जिसमें हम लोगों ने श्रम के आधार पर जो उद्योग थे उसके बारे में हम लोगों ने जाना कि श्रम के आधार पर कौन कौन से उद्योग होते हैं और उसमें ज्यादा से ज्यादा श्रम की आवश्यकता पड़ती है, मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हम लोगों ने सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग, जूट पटसन उद्योग, गन्ना उद्योग आदि के बारे में, चूंकि ये जो है आपको कृषि पर आधारित उद्योग है और कृषि से इनका कच्चा माल प्राप्त होता है और उसके आधार पर उद्योग है। हालांकि हमारे सबसे पुराने उद्योग ये सूती वस्त्र उद्योग और गन्ना उद्योग, जूट पटसन उद्योग ही है। उसके बाद धीरे धीरे आजादी के बाद, यानी आजादी के बाद 1951 में योजनाओं के आधार पर, योजनाओं के कारण हम जो विकास है औद्योगिक विकास उसमें तीव्र गति आई, यानी उसमें तेजी आई और धीरे धीरे हम सारे क्षेत्रों में विकास करने लगे। अब इसमें है कि खनिज आधारित उद्योग, दूसरा है खनिज आधारित उद्योग, दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। यानी खनिज आधारित उद्योग कहने का अर्थ क्या है कि वैसे उद्योग जिनका कच्चा माल खनिज से प्राप्त होता है, या वैसे उद्योग जो खनिजों पर निर्भर रहते हैं उसे हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। और ये भी जो भी खनिज आधारित उद्योग है ये आपको किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में ये सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इनमें आपको बड़े उद्योग जो बृहद उद्योग कहे जाते हैं, जिसको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया, वो इस उद्योगों में शामिल होते हैं खनिज आधारित उद्योग में। इसमें आपको लौह एवं इस्पात उद्योग यानी लोहा उद्योग, सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग, खनिज आधारित उद्योग के ये सब अच्छे उदाहरण है। यानी ये सारी चीजें आपको खनिजों पर निर्भर है, जो भी हमें प्रकृति ने हमें खनिज दिए हैं उपहार स्वरूप, जो पर्वतों में जमीन के भीतर जो खनिज मौजूद हैं पहाड़ों में, उस खनिजों के आधार पर ये सारे उद्योगों की स्थापना की जाती है और ये आपको देश के विकास में सहायक होते हैं। इसमें सबसे पहला है लौह एवं इस्पात उद्योग, यानी लोहा उद्योग जिसको बोलते हैं। लौह उद्योग एक उद्योगों का आधार है, यानी किसी भी उद्योगों का आधार है। यानी हम ये कहें कि रेलवे उद्योग, अगर मान लीजिए रेलवे का विकास करना तो उसका जो इंजन आएगा, उसकी जो पटरी आएगी, उसके जो डिब्बे आएंगे, वो सारे आपको लोहे के बनेंगे। तो जब तक लोहा का उत्पादन नहीं होगा तब तक ये सब चीज नहीं बनेगा। तो अगर रेल के इंजन का और डिब्बे का फैक्ट्री हम स्थापित करना चाहे तो सबसे पहले लोहा की फैक्ट्री स्थापित करनी पड़ेगी, या और भी जितनी भी मशीनें हैं आपको जो वस्तुओं का उत्पादन करती है, वस्तुओं का निर्माण करती है, वो सारी मशीन लोहे के बने होते हैं। हमने देखा भी है, हमने आस पास देखे हुए बड़े बड़े जनरेटर हैं जो लोहे के बने होते हैं, बड़ी बड़ी और सारी मशीनें हैं जो लोहे की बनी होती हैं। तो उसके लिए लोहा का पहले उत्पादन होगा, तब जाके उस मशीन का निर्माण होगा और उस मशीन के द्वारा और सारे उद्योग स्थापित हो पाएंगे। इसलिए लौह उद्योगों को उद्योगों का जननी कहा जाता है, उद्योगों का आधार कहा जाता है। और इसलिए इनके द्वारा भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इससे बनी मशीनों पर निर्भर करते हैं। यानी मध्यम उद्योग, भारी उद्योग या हल्के उद्योग भी जो हैं, जो छोटे अस्त्रों के मशीनों के द्वारा निर्माण किए जाते हैं, वो सारे उद्योग इस उद्योगों पर निर्भर करते हैं, लोहा और इस्पात उद्योग पर। और इन्हें इसका जनक भी कहा जाता है। भारतवासियों को लोहा बनाने की जो कला है वो ईसा से हजारों वर्ष पहले से आती है, यानी ईसा के जन्मदिन से। यानी हम देखें तो आज 21 से चल रहा है, तो यानी ईसा का जन्म आज 21 से हो गया, 2100 साल हो गया, यानी 2021 चल रहा है, तो 2021 साल से पहले
यानी एक जब से शुरू हुआ डेट तब से हम गिनते हैं ईसा का काल, और ये 2021 तक आया। 2021 से साल से पहले, इससे हजारों साल पहले लोहा का उपयोग करना भारत के लोग अधिक जानते हैं, क्योंकि हमने देखा है हमारे धर्म शास्त्रों में जो महाभारत हो, रामायण हो, ग्रंथ पुराण हो, उसमें दिखाया गया है कि तलवार आला जो है उससे लड़ाइयाँ होती थी, तीर कमान से लड़ाइयाँ होती थी, चूंकि वो जो तलवार थे वो आपको लोहे से बने होते थे। तो इससे यह नजर लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोहा का उत्पादन, लोहा का उपयोग पहले से जानते हैं। कुतुब मीनार के निकट राम लौह स्तंभ, यानी कुतुब मीनार जो है आपको उसके बगल में एक लौह स्तंभ खड़ा है, जो देश में जो निर्मित लोहा था उसका सटीक उदाहरण है, यानी ये आपको दर्शाता है कि लोहा का उत्पादन या लोहा का उपयोग हम आज के लोग करना जानते थे। उसके बाद मैंने बतवारी तलवारें जो बनाई जाती थी, भारत में लौह इस्पात का कारखाना 1830 में पोर्टोनोवा नामक स्थान पर तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। 1830 में पोर्टोनोवा नामक स्थान, क्योंकि ये तमिलनाडु का था, पोर्टोनोवा नामक स्थान पर यह स्थापित किया गया था, परंतु स्थानीय कुछ कारणों से, यानी उस स्थान के कुछ मानवीय कारणों या और भी कारण हो सकते हैं जिसके कारण इस उद्योगों को बंद कर दिया गया। अब आधुनिक लौह इस्पात का उद्योग का जो विकास है, वो वास्तविक विकास उसका आपको 1864 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक स्थान पर जब स्थापित किया गया, उसके साथ ही लोहा इस्पात का आधुनिक विकास आरंभ हो पाया, और इस्पात को बड़े पैमाने पर उत्पादन 1907 ईस्वी से माना जाता है, यानी पहली सफल जो फैक्ट्री थी, सफल जो कारखाना था, वो आपको 1864 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। लेकिन लोहा का सबसे अधिक उत्पादन आपको 1907 में माना जाता है, जब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की साक्षी नामक स्थान, यानी जमशेदपुर में, झारखंड के जमशेदपुर नामक स्थान पर, साक्षी नामक स्थान पर उसकी स्थापना हुई जमशेद जी टाटा के द्वारा, और इसी से लोहा का उत्पादन में गति आई, वृद्धि आई और तेजी आई। उसके बाद पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में, कर्नाटक के भद्रावती में भी स्वतंत्रता के पूर्व कारखाने लगाए गए। स्वतंत्रता के बाद विदेशी सहयोग से लोहा इस्पात के कई कारखाने लगाए गए। इस समय भारत के 10 बृहद लौह उद्योग इस्पात और लगभग 200 छोटे इस्पात संयंत्र, यानी भारत में आज 10 बृहद माने बहुत बड़े क्षेत्र में लोहे के कारखाने हैं, और छोटे छोटे तो बहुत सारे लोहे के कारखाने हैं। उस समय आजादी के बाद विदेशी देशों के सहयोग से भी यहाँ बहुत बड़े बड़े प्लांट लगे, इसमें आपको बहुत सारा है, टाटा आयरन इस्पात में, बाहर आपको लोहा इस्पात उद्योग आपको चार्ट दिया गया है किताब में, आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो ये था लोहा इस्पात उद्योग, जो कि उद्योगों का आधार है, उद्योग का जननी है, और ये सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है किसी भी देश के विकास के लिए। तो ये था आज के वीडियो के लिए, यही अगले वीडियो में और सारे रासायनिक उद्योग हैं या सीमेंट उद्योग है, ये भी रोचक उद्योग हैं, बढ़िया उद्योग है जिसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है एग्जाम की दृष्टि से, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानकारी देंगे। अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।